हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर भोजन के घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। भोजन के जितने भी घटक होते हैं उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8770 80 नंबर है 8770 80 3840। इस पर व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करने के लिए CDP, EVS, मैथ्स, किसी भी प्रकार की यदि आपको नोट्स चाहिए तो सेम व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम लोग यहाँ पर कुछ वन लाइनर फॉर्म में और कुछ एक नए तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ने का ट्राई करेंगे, राइट? तो सेशन को बिल्कुल अच्छे ध्यान से देखिएगा ताकि आपका जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो पूरा क्वीज बेस्ड होगा, तो आसानी से आप लोग यहाँ पर क्वीज को कम्प्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यदि भोजन की, तो भोजन वह पोषक पदार्थ होता है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है? क्या किया जाता है? भोजन वह पोषक पदार्थ हो गया जो किसी भी जीव के द्वारा खुद की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, कार्य करने के लिए, शरीर के ऊतक की मरम्मत के लिए, जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है? इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, हम लोग बोलते हैं जिसे वृक्षांश, आहारी रेशे, जल, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। मतलब ये सारे पोषक पदार्थ मिलकर जो है भोजन का यहाँ पर निर्माण करते हैं। अब इनकी जो मात्रा है वो अलग अलग यहाँ पर हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हो सकती है। अब यदि हम लोग बात करें पर्टिकुलर कितने प्रकार के अवयव जो है भोजन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो 7 प्रकार के अवयव यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, मोटा चारा जिसे हम लोग वृक्षांश बोल सकते हैं या फिर आहारी रेशे बोल सकते हैं, करेक्ट है? अब वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी कितनी मात्रा होना चाहिए और कौन सी मात्रा में किस तरीके से ये प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले यदि बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग साइंस टर्म्स में भी बात करेंगे ताकि आपका ये जो विज्ञान है ये भी साथ के साथ कंप्लीट होता जाए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर ये कीटोन हो सकते हैं, जो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इन तीनों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब इनका जो अनुपात रहता है, जो CHO का रेशियो रहता है, वो रेशियो कितना रहता है? कार्बन का 1:2:1, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 121 रहेगा। बस आप इस टर्म्स में याद रख लेना CHO, क्योंकि अल्फ़ाबेट की बात करें तो सबसे पहले कार्बन आएगा, फिर H आएगा, फिर O आएगा, तो 1:1 का रेशियो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। किससे मिलकर बने होते हैं? एक प्रकार के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर ये कीटोन हो सकते हैं। आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो ये वो होते हैं, ठीक है? CHO से मिलकर बने होते हैं और इसका रेशियो 121 यानी 1:1 का रेशियो यहाँ पर रहता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आप देख लीजिए साथ के साथ। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, ठीक है? जहां पर n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। वो यहां पर वेरी होती रहेगी, वो चेंज यहां पर हो सकती है, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो हर चीज़ का अपना कार्य रहेगा, हर एक तत्व का, प्रोटीन का अपना कार्य रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, विटामिन का। तो हम लोग यदि कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मतलब इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मतलब पहले ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसके बाद शरीर के अंदर यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट करते हैं। अब कितनी मात्रा आवश्यक होगी, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वीज भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के करने के बाद 17 किलो जूल ऊर्जा, या फिर इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 4.1 यानी कि 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक है? जब कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से इतनी ऊर्जा यहाँ पर निकलती है, हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60-80% ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? ऊर्जा का एक प्रकार से स्रोत हो गया। हमारे शरीर का लगभग 1% भाग कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है? क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली? सबसे पहले तो आपने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कीटोन होते हैं, ये सारी आप चीज़ें आपने देख ली। फिर आपने इसका सूत्र देख लिया कि इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n और उसके ब्रैकेट के बाहर n रहेगा, जहाँ पर नंबर रहेंगे कार्बन परमाणुओं के, ठीक है?
उसके बाद शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। इसके ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल ऊर्जा अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ध्यान रखेंगे पॉइंट नंबर 2 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जब आप वसा से कंपैरिजन करेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा शरीर को कौन दे सकता है, तो फिर वहाँ आपसे टर्म्स पूछी जाएगी कि इससे 17 किलो ऊर्जा मिलती है तो वसा से कितने किलो जूल ऊर्जा मिलती है। तो फिर हम लोग जब वसा पढ़ेंगे तब इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे, तो इस पॉइंट को ध्यान के ताकि कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अब यदि हम लोग बात करें कि कुल ऊर्जा का 60 से 80% ऊर्जा जो है हमें किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। हमारे शरीर का लगभग 1% भाग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो से ही समझ में आ रहा है कि इसमें केवल एक होगा, मतलब बिल्कुल सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये केवल एक शर्करा अणु से बने होते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब ही होता है 1, ठीक है। तो बिल्कुल सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, केवल एक शर्करा अणु से इनका निर्माण होता है। इनकी स्ट्रक्चर के यदि आधार पर करें तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये तीनों के तीनों मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अब यदि हम लोग बात करें डाइसैकेराइड्स की, तो ये 2 इकाइयों के बने होते हैं, राइट। डाई का मतलब होता है 2, तो ये 2 इकाइयों के बने होते हैं, जैसे हो गया सुक्रोज यानी कि चीनी, माल्टोज और लैक्टोज यानी कि दुग्ध शर्करा, ये सारे के सारे इनका जो स्ट्रक्चर होता है डाइसैकेराइड्स होता है। तीसरा पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, तो ये बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से बने होते हैं, मतलब एक तरीके से आप इसको जाल बोल सकते हैं, जाल यहाँ पर बना हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से मोनोसैकेराइड्स का। तो ये बहुत सी मोनोसैकेराइड्स इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ने पर बनते हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटीन हो गया, हेलुरिक अम्ल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनो होता है, डाई होता है, पॉली होता है। मोनो जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो सिंगल शर्करा अणु से बने होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज करके। डाई में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और पॉलीसैकेराइड्स में काइटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया। देखो सर, हर एक के अंदर आपका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 बन जाएंगे, इसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे स्टार्च और सेलुलोज के बारे में पूछा जा सकता है, ग्लाइकोजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कौन सा एग्जाम्पल रहेगा। अब आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है, ठीक है। अब भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज होता है। अब ये कहाँ मिलता है, ये सेल वॉल के अंदर मिलता है, कौन से, पौधों के अंदर। ये पौधे की जो कोशिका भित्ति है उनके अंदर पाया जाता है। कपास एवं कागज जो है शुद्ध सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। ये ग्लूकोज का बहुलक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, जैसे पशुओं में गाय, भैंस, बकरी आदि में सेल्यूलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्यों के अंदर इसका पाचन नहीं होता है। तो ये बात हो गई हमारी सेल्यूलोज की। अब यदि हम लोग बात करें शर्करा की, तो शर्करा क्या होता है, मीठा, क्रिस्टलीय, सफ़ेद और जल में घुलनशील पदार्थ होता है, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। ये मुख्यतः किसके अंदर पाया जाएगा, ये फलों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, शर्करा हो गया। अगर आगे बात करें, ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा जो है यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य अंगों में वसा के रूप में संग्रहित रहती है। अब ये जो मात्रा है, शरीर के अंदर शर्करा कैसे प्रेजेंट रहता है, तो ग्लूकोज शर्करा की जो अतिरिक्त मात्रा है यकृत के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, और शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में ये स्टोर करके रखा जाता है। यकृत की ग्लाइकोजन रुधिर में यानी कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करती है। वही आप जो देखते हैं कि शुगर हो गई है, तो वो इसी की वजह से होती है। वो पूरी प्रोसेस यहीं पर है कि जो यकृत की जो ग्लाइकोजन की मात्रा है रुधिर में जो है शर्करा का स्तर यहाँ पर मेंटेन करके रखती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, शर्करा से आगे बढ़े तो हम लोग स्टार्च की बात कर लेते हैं। स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च जो है पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल का संग्रहित पदार्थ है। तनु HCl के द्वारा यह ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्च की बात यहाँ पर होगी, पादप कोशिकाओं में संग्रहित पदार्थ है और HCl के द्वारा इसको ग्लूकोज में अपघटित कर लिया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हो गए, अभी हमने स्टार्च, शर्करा, इन सब के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, किन किन रूपों में ये पाया जाता है। अब आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, तो आपको आलू से मिल सकता है स्टार्च, ठीक है, इसका हम लोग टेस्ट भी करते हैं, स्टार्च परीक्षण भी करते हैं, राइट। फल में केला और आम से मिल सकता है, अनाज में चावल, गेहूं, मक्का और शर्करा, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम और रोटी, दूध आदि से आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो गए। अब आगे यदि हम लोग बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं और बच्चों और वयस्कों में मोटापा यहाँ पर बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया।
अब यदि हम लोग वसा की बात करें, यानी कि जो फैट्स होते हैं ये वसी अम्ल फैटी एसिड एवं ग्लिसरोल से बना हुआ रहता है, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। CHO से ही ये बना रहता है, जिससे हमारा कार्बोहाइड्रेट बना हुआ रहता है, वैसे ही यहाँ पर वसा बना हुआ रहता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों का मुख्य स्रोत रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलोरी कार्बोहाइड्रेट और वसा में से आपको किस में मिलेगी? वसा में मिलेगी। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा आपको 37 किलो जूल या फिर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है। और हमने देखा था यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें 17 किलो जूल ऊर्जा मिलती है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलती है। आप 1 ग्राम यदि वसा का सेवन कर रहे हैं तो 37 किलो जूल ऊर्जा या फिर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है। ये जल में अविलय होते हैं, ये जल में अघुलनशील हम लोग बोल सकते हैं किसको? वसा को। ठीक है, तो ये जल में अविलय होते हैं, लेकिन एसीटोन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म आदि के अंदर ये अच्छे से घुल जाते हैं। जंतु वसाएं अर्ध ठोस होती है, लेकिन वनस्पति वसाएं जो होती है तरल रूप में पाई जाती है तथा तेल कहलाती है। ठीक है, ये अर्ध ठोस होती है, लेकिन वनस्पति के अंदर जो वसा पाया जाएगा वो एक ऑयली रूप में या फिर तरल पदार्थ में, लिक्विड फॉर्मेशन में पाया जाता है। वसा के स्रोत, वसा कहाँ से प्राप्त होता है? घी से, मक्खन से, बादाम से, पनीर से, अंडे से, ठीक है, मांस से, सोयाबीन से और सभी वनस्पति तेल जो है वसा के मुख्य स्रोत यहाँ पर हो सकते हैं। जब हमारे अंदर वसा की कमी हो जाती है, वसा की अल्पता हो जाती है, फैट डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी वजह से त्वचा जो है, हमारी स्किन जो है वो रूखी सूखी सी हो जाती है। इसकी कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिन की भी कमी हो जाती है। यदि हमारे अंदर वसा की कमी है तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो वसा के अंदर घुलने वाले विटामिन है उनकी भी यहाँ पर कमी हो जाएगी, क्योंकि वसा ही नहीं होगा तो विटामिन्स घुलेंगे किसके अंदर, राइट? यहाँ पर जो जल के अंदर, सॉरी, वसा के अंदर जो घुलनशील विटामिन है उनकी भी कमी यहाँ पर हो जाती है, राइट? अब वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा यहाँ पर हो जाता है। यदि ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लिया तो मोटापा यहाँ पर हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ, हृदय संबंधी बीमारियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। अब यदि हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है जे बर्जिलियस के द्वारा 1930 में किया गया था। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का एक बहुलक हम लोग बोल सकते हैं, अमीनो एसिड का पॉलीमर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अमीनो एसिड जो है, प्रोटीन अमीनो एसिड का एक प्रकार का बहुलक है। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। ये CHON से बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है, इससे बनी रहती है। कुछ प्रोटीन में गंधक, फास्फोरस और लोह तत्व भी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? दाल हो सकती है, मछली हो सकता है, अंडा, पत्तीदार सब्जियाँ, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही, ये सारे के सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की डिफिशियंसी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, क्वाशियर रोग हो जाता है, ये सारे के सारे रोग प्रोटीन की कमी से यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। अब यदि हम लोग बात करें विटामिन शब्द की, तो सबसे पहले सी फंक के द्वारा 1911-12 में इसका प्रयोग किया गया था। इनकी घुलनशीलता के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जल में घुलनशील विटामिन और वसा के अंदर घुलनशील विटामिन। वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी के सारे अवयव, ठीक है, B1, B2, बी के, B12, ये सारे, और विटामिन सी, यानी कि बी एंड सी जो है हमारे कौन से होते हैं? जल के अंदर, वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं, लेकिन फैट के अंदर घुलनशील विटामिन इसके अलावा जो बच रहा है, एक तो ए बच रहा है, डी बच रहा है, ई बच रहा है और एक के बच रहा है, ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? वसा के अंदर घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यदि बात करें खनिज लवण की, मिनरल सॉल्ट की, तो धातु अधातु उनके लवण खनिज मिनरल कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है? हमारे शरीर का लगभग 4% भाग इनके द्वारा बनता है। तो ये चीज़ें क्या है? धातु अधातु और उनके खनिज लवण ही यहाँ पर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, और इनके शरीर का लगभग 4% भाग ये बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हम लोग बोल सकते हैं वृहत पोषक तत्व होते हैं और सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं, मैक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं। अब वृहत पोषक तत्व क्या होते हैं? जिनकी सबसे अधिक मात्रा हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट रहती है, लाइक कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे तत्व क्या होते हैं? शरीर में अधिक मात्रा के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इनको भी पूरा हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कितनी मात्रा में ये प्रेजेंट रहते हैं। और सूक्ष्म मात्रिक तत्व की बात करें तो ये माइक्रो यूनिट्स, यानी कि ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर
प्रेजेंट रहते हैं, लाइक आयोडीन हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, मॉलिब्डम हो गया, ये सारे कम मात्रा में हमारे अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लाइक कोबाल्ट वगैरह हो गया। चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम की बात करें तो अस्थियों तथा दांतों का निर्माण, हृदय एवं पेशियों का नियंत्रण, रक्त का थक्का जमने में ये सहायता करता है। कैल्शियम तत्व यदि हमारे शरीर में प्रेजेंट है तो ये क्या क्या कार्य यहाँ पर करेगा? अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करने में मदद करेगा, हृदय एवं पेशियों का नियंत्रण कार्य करने में, नियंत्रण करने में, उसको कंट्रोल करने में, रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है। और किससे प्राप्त होता है, स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इसके? दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां से आपको इसकी प्राप्ति हो सकती है। फास्फोरस की यदि बात करें तो कोशिकाओं को ऊर्जा अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करने में मदद करता है। इसकी प्राप्ति कैसे होगी? अनाज, दाल, दूध, अंडा, मछली से इसकी प्राप्ति हो सकती है। लोहा की बात करें तो लोहा क्या करता है, लोह तत्व यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पर इसकी गोलियाँ दी जाती है स्पेशल, जो उनके अंदर लौह तत्व की मात्रा को बढ़ा सके। आपको अनाज, दाल, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, केला, सेब, अमरूद आदि से लौह तत्व की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। मैग्नीशियम की यदि हम लोग बात करें तो पेशियाँ एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, कुछ एंजाइमों के लिए ये कार्य यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां और अनाज से आपको मैग्नीशियम की प्राप्ति हो सकती है। गंधक सल्फर की यदि हम लोग बात करें तो प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होता है। अनाज, दाल, मेथी, काला नमक आदि से आपको इसकी प्राप्ति हो सकती है। आयोडीन की बात करें जो कम मात्रा में हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है, भोजन के ऑक्सीकरण में नियंत्रण का कार्य करता है। मछली, समुद्री नमक, आयोडाइज नमक आदि से आपको, आपके शरीर को आयोडीन की प्राप्ति होगी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करता है, एंजाइम तंत्रिका तथा आमाशय के कार्यों में सहायक ही होता है। नमक, अनाज और फल से इसकी प्राप्ति आपको हो सकती है, राइट। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम, Na और पोटेशियम का कार्य क्या होता है, शरीर के सभी कोशिकाओं को उचित स्थिति में रखने में ये सहायक होता है। कहाँ से प्राप्ति हो सकती है, नमक, प्राय जितने भी प्रकार के फूड होते हैं, जितने भी प्रकार के भोजन होते हैं उससे हमें सोडियम और पोटेशियम की प्राप्ति होती है। अब इसका कार्य क्या होता है, रक्तदाब में कमी करना, निर्जलीकरण और शारीरिक कमजोरी इसकी वजह से हो सकती है, इसकी कमी की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब यदि हम लोग बात करें तांबा, जस्ता और कोबाल्ट की, तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये प्रोटीन एवं एंजाइम निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। अनाज, दाल, मांस, अनाज, दाल, मांस और सब्जियां यदि हम लोग इसका सेवन करते हैं तो इससे हमें इन तत्वों की प्राप्ति हमारे शरीर में होगी। इसकी कमी से भूख न लगना, हमारी ग्रोथ में कमी आ जाती है तथा अरक्तता, एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। किसकी कमी से, तांबा, जस्ता और कोबाल्ट की कमी से। तो ये हो गए हमारे सारे वृहद मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। तो वृहद मात्रिक जो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो यानी कि जो सबसे कम मात्रा में, जिनकी शरीर को बहुत कम यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा खनिज लवण में कैल्शियम, इनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसका सेवन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस की बात कर ली, फिर हमने लौह तत्व की बात कर ली, मैग्नीशियम की, गंधक सल्फर की, आयोडीन की, क्लोरीन की, सोडियम पोटेशियम की और तांबा, जस्ता एवं कोबाल्ट की यहाँ पर हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जल की, वाटर का कार्य क्या होता है। तो यह एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसको बोल सकते हैं। मानव शरीर में 65 से 70% जल पाया जाता है। यह पसीने एवं वाष्पन के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। यह पाचन, परिवहन, उत्सर्जन में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन एवं पीने का जल हो सकते हैं, ठीक है। इसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण यहाँ पर हो जाता है। तो ये बात कर ली हमने यहाँ पर जल की, एक प्रकार का इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ, 65 से 70% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। पसीने वाष्पन के द्वारा शरीर के टेम्परेचर ये कंट्रोल करता है। पाचन, परिवहन, जल के अंदर मतलब बोल सकते हैं बॉडी के अंदर संचरण करने का और उत्सर्जन करने में ये सहायक होता है। इनके मुख्य स्रोत उपापचयी जल हो सकते हैं, तरल भोजन यानी कि आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं लिक्विड फॉर्मेशन में, उससे भी आपके शरीर को जल की प्राप्ति होती है और पीने के जल से भी आपको इसकी प्राप्ति होती है। खाद्य पदार्थ में जितना भी जल प्रेजेंट रहता है उससे हमारे शरीर को जल की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है और इसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर जल के बारे में। अब कुछ चीज़ें हम लोग वन लाइनर फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो विटामिन हमें क्या करते हैं, रोगों से बचाते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।
विटामिन्स हमारी आँख, अस्थियाँ, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, हमें ऊर्जा देने का ये कार्य करते हैं। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है, राइट। 37 हमने देखा था और कार्बोहाइड्रेट से 17 मिल रही थी। अगला पॉइंट है, फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्षांश बोलते हैं। संतुलित आहार, हमें संतुलित आहार क्या होता है, ये हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं, हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने का कार्य करते हैं। विटामिन का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कहलाता है क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे सब टाइप्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला है वह आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व, पोषक तत्व, वृक्षांश और जल उचित मात्रा में होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। अब पोषक तत्व में हमारे विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारी चीज़ें आ जाएगी। कच्ची सामग्रियों से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटक को ही हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं। अब वो पोषक तत्व क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। यदि खाद्य पदार्थ का प्रोटीन टेस्ट करने के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग हो जाता है तो वो क्या दर्शाता है कि इस पदार्थ के अंदर या उस खाद्य पदार्थ के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। बैंगनी रंग यदि खाद्य पदार्थ ने दे दिया है तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। वसा एवं हम लोग यदि बात करें, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसको, इस प्रकार के भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी यहाँ पर कहा जाता है। विटामिन कई प्रकार के हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से जाना जाता है, राइट। और इसको दो तरीके से कैटेगराइज करें तो जल में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले, ठीक है। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिन्स की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लाइक विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है, विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करेगा, विटामिन डी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, अभी जस्ट हमने देखा था, जल में घुलनशील बी सी और वसा में घुलनशील ए डी ई और के होते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण यहाँ पर आवश्यक होता है। और अधिकांश खाद्य पदार्थ जो होते हैं इसमें से एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं, लाइक आप चावल की बात करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो दूसरे पोषक तत्वों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए चावल को एक समृद्ध भोजन के रूप में कंसीडर किया जाता है। पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे को आप जानते हैं वृक्षांश के रूप में, राइट। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। मुख्य स्रोत यहाँ पर साबुत खाद्यान्न हो सकता है, दाल हो सकता है, आलू हो सकता है, ताजे फल और सब्जियाँ यहाँ पर हो सकती है। ये ज़्यादा कुछ ऐसे हम लोगों को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी ये शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं और साथ ही वृक्षांश बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और जल साथ के साथ क्या करता है, जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करके हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। लाइक हमारे भोजन के जो पोषक तत्व है वो क्या क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण हो गए। कुछ क्वेश्चन आपसे वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर पूछे गए कि बताइए पोषक जो भोज मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण में आवश्यक होते हैं, तो वृद्धि और अनुरक्षण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, प्रोटीन यहाँ पर आवश्यक है जो अमीनो एसिड से बनता है, राइट। 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा आवश्यक है, विटामिन ए आवश्यक है। और अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है, खनिज पूछा गया है तो कैल्शियम यहाँ पर आवश्यक है। और विटामिन की बात करें तो डी आप करके आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर आपको स्रोत बताने हैं, कौन से पोषक स्रोत जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वसा की बात करें तो वसा जो है किससे मिलेगा, आपको घी और दूध से मिल सकता है। मंड स्टार्च आपको चावल और आलू से मिल सकता है। आहारी रेशे के रूप में आप सब्जी और फल का सेवन कर सकते हो। प्रोटीन के रूप में आप पनीर और राजमा का सेवन यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। अब आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, राइट। और हमारे भोजन में किसके अभाव में रतौंधी रोग होगा, तो विटामिन ए के अभाव में रतौंधी रोग हमारे शरीर को हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वीज भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी क्वीज जो है हम लोग यहाँ पर अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से भोजन के जो पोषक तत्व सम्मिलित हो सकते हैं, भोजन में क्या-क्या चीजें सम्मिलित होती हैं? खनिज लवण जो पोषक तत्व की कैटेगरी में आते हैं, खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे और वृक्षांश। तो हमें पता है पोषक तत्व की कैटेगरी में, क्योंकि आपसे ये पूछा गया, ये आपके स्टेटमेंट है और ये आपके ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा राइट है, तीसरा राइट है या फोर्थ राइट होगा। तो सबसे पहला है खनिज लवण, दूसरा है विटामिन और तीसरा है हमारे आहारी रेशे यानी कि वृक्षांश। तो खनिज लवण बिल्कुल आवश्यक है, विटामिन्स बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन ये पोषक तत्व में नहीं आते हैं, बस एक बोल सकते हैं कि तत्व में आते हैं, ये पोषक में नहीं आते हैं, राइट? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक और दो, एक और दो के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनिज लवण और विटामिन हमारे शरीर के पोषक तत्व की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे और आंसर करेंगे, ये भी आपका स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में मदद करते हैं। अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का आपको दिया हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या हम लोगों को यहाँ पर जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते, तो बिल्कुल करते। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, दूसरा प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, तीसरा स्टेटमेंट विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, जबकि वृक्षांश जो होते हैं बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही स्टेटमेंट राइट थे जो कि आपको दिया गया था ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट? तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका जो क्वीज रह गया है वो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।